सो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मैं सुबह सुबह हो चुकी हूँ बिल्कुल रेडी जाने के लिए। तो आप सब जानते हैं सुबह सुबह मैं स्कूल जाती हूँ। हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन मैं स्कूल इतना तैयार होकर तो नहीं जाती हूँ। तो आज हम लोग जाने वाले हैं पिकनिक। हमारा स्कूल का जितना भी स्टाफ है, हम जितने भी कलीग्स हैं, सब मिलके करने वाले हैं पिकनिक। बहुत मस्ती करेंगे, धमाल करेंगे, जो भी करेंगे आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए पहले चलते हैं स्कूल, फिर स्कूल से हम लोग निकलेंगे पिकनिक पे। आप भी बने रहिए, आप भी देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। चलो तो भैया आ चुके हैं और हम लोग निकल चुके हैं स्कूल के लिए, और रास्ते में ही हम लोग ने शुरू कर दी है मस्ती। तो देखिए, सोचा ही नहीं दर्द संभाल पावर बैंक करती है, पार लगा दे भैया, पार लगा। तो हम सब रेडी हो चुके हैं जाने के लिए। तो पहले सबसे मस्त फनी इंसान अब आए हुए हैं आपके सामने। अब ये दिन रात आपके पेट का दर्द मिटाते रहेंगे, गोली की जरूरत नहीं जब तक सोनू पठान है। तो पहले हम लोग जाएंगे मंदिर, यहाँ पे पास हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पूजा करेंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे पिकनिक, खाना खाएंगे, डांस करेंगे, मस्ती करेंगे। तो चलिए डांस करेंगे, पहले मंदिर में चलते हैं, घंटी बजा सबकी बजाएंगे। अरे हम दोनों सबकी बजाते रहते हैं भाई, इधर सब हमसे परेशान है, बोलते हम ये मैम और जो भैया को आपने देखा, हम तीनों सब तो पागल है और सबको क्रैक बना भी देते। तो भाई साहब हम लोग आ चुके हैं पैदल पैदल, पहिया पहिया नंबर की बस। मैम की स्पीड बहुत तेज है, वो 140 पे निकल रही है, हम लोग 20 पे हैं और हम लोग 20 पे हैं। कोई नहीं ना, हम उनको मैच करना बिल्कुल नहीं चाहते। तो हम लोग इस मंदिर में जा रहे हैं, उस मंदिर का नाम है धनुषधारी। तो चलो चल रहे हैं, इतनी तेज धूप है, लिटरली आंखों से आंसू आ रहे हैं। तो इस तरीके से है यहाँ पे ऐसी सीढ़ियाँ, तो चलिए सीढ़ियों से उतरते हैं। ये पहाड़ों में बना हुआ है, बहुत डेंजर है ये सीढ़ी। तो ये है हम लोग का स्कूल, स्कूल के पीछे ही हम लोग आए हैं। लिटरली बहुत तेज धूप हो रही है, देखो खेत ही खेत, पेड़। हम लोग तो इसी के लालच में खींचे आते हैं वो वहां, देखो तो यहाँ पे, यहाँ पे पीली पीली सरसों की जगह हरे हरे गेहूं के थाल लगे हुए हैं। सब नीचे नीचे नीचे, थोड़ा नीचे देख के चले, नहीं तो अपने आप फोटो खींचेंगे 10-15 अपने आप फोटो खींचने वाले बुलाने भी नहीं पड़ेंगे, ऑटोमेटिक आ जाएगा फोटो खींचने, सब अपने आप उतर जाएगा। तो नेक्स्ट डे की उसमें अखबार में भी आ जाएगा, पेपर में फोटो छपेगी। तो आप समझ ही सकते हो कि कितना धमाल होने वाला है। अभी तो हम मंदिर सिर्फ जा रहे हैं, वो भी पहुंचे नहीं है, अभी पूरा पिकनिक बाकी है, पूरा टूर बाकी है। हम लोग अराउंड यहाँ से 12-13 किलोमीटर जाने वाले हैं पिकनिक पे, वहाँ और मस्ती होगी। ये है मटर, ये मटर की खेती, मटर के साथ साथ सरसों। बरसा होने के कारण अभी फूल बस आए हैं, नहीं तो अंदर फल भी आ जाते। मटर नहीं है वो, मटर लगता है अगर ऐसा ही वातावरण बना रहा तो ये झाड़ अगली साल देखने मिलेंगे, अभी फूल के रूप में, अब अगली बार देखेंगे फल के रूप। तो भाई साहब हमारे यहाँ इतनी तगड़ी वाली ठंड पड़ चुकी है, प्लस बारिश भी हो गई थी, जिसके कारण पेड़ पौधे जो है उस उनकी छोटे, हाँ बारिश प्लस ठंड इक्वल टू पेड़ छोटे छोटे तो इनकी ग्रोथ रुक चुकी है, अगली बार ही देखने मिलेंगे फल, अभी तक फूल ही फूल है। चाहे बटरी हो, वो बड़ा परेशानी वाला सबब है किसानों के लिए। सरसों भी, ये चने भी फूल है। एक साल में भाई लोग सिर्फ फूल ही आ पाए हैं, पता नहीं कितने साल लगेंगे। तो हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर, ये है मंदिर का बैकग्राउंड, कृपया, बहुत टाइम बाद छाया मिला है भाई साहब। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं, बहुत धूप थी, कसम से थक चुके, चलिए पूजा कर लेते हैं। ओके तो ये है मंदिर,
अभी भगवान जी का श्रृंगार चल रहा है, बहुत मान्यता प्राप्त है इनको। तो हम लोग स्कूल से हर साल आते हैं यहाँ पर करीबन, कभी कभी ऐसा होता है कि साल में हम एक दो से तीन बार भी आ जाते हैं। हमारी खेती है, हमारे पूर्वज यहाँ पे कुछ छोड़ गए थे, तो इसी के तहत आपने करण अर्जुन देखी होगी, मैं उसी का सॉन्ग गाने जा रहा हूँ। सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, वहाँ माँ थी यहाँ बहन है। ये डिफरेंट है थोड़ा सा। मैं आ चुकी हूँ मस्टर्ड के खेत में, देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, चारों तरफ येलो येलो येलो, जैसे मैंने आपको अगले ब्लॉग में बोला था ना, येलो एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन बहुत मस्त होता है, कितना सुंदर लग रहा है यार। अब हम लोग यहाँ पे आएंगे और अपने मस्त मूवमेंट में आपको भी इंजॉय करा देंगे। चलिए निकलते हैं खेत से बाहर, वरना पिटाई लग जाएगी, कसम मैम भी है प्रिंसिपल मैम तो वो गुस्सा हो जाएंगी, तो हम लोग कहाँ हो क्या कर रहे हो। तो हम देख लिया बहुत ही सुंदर, अब जल्दी रोज क्लिक कर लेती हूँ क्योंकि हमें निकलना भी है यहाँ से, वरना हम लेट हो जाएंगे। हम लोग बहुत ही रेयर इस टाइप से खेत वेत में आते हैं क्योंकि हम लोग के उधर होता नहीं है, तो आए हैं तो बहुत मज़ा आ रहा। तो हम लोग का पूजा वूजा हो चुका है, पूजा हो चुकी है, बेस्ट ऑफ पिकअप में हम लोग स्मार्ट लगते हुए, क्या लोग आ रहा है इधर से, हम लोग की पूजा हो चुकी है, अब चलो निकलते हैं, चलते हैं पिकनिक पे। तो हम लोग निकल चुके हैं पिकनिक के लिए और मैं कर रही थी आज ड्राइव, बहुत दिनों के बाद बहुत मज़ा आ रहा था, अच्छा लग रहा था। और पहली बार ड्राइव करनी हुई, देख लीजिए आपको ऐसा ना लगे कि ड्राइव नहीं कर रही है, कर रही है वैसे, देख सकते हैं आप लोग, पहली बार गाड़ी चलाती हुई, इन पे गाड़ी बनती है नहीं तो आप सब बैलगाड़ी में चलाती है। पहली बार चला रही हूँ, अच्छी चला रही हूँ, समझ रहे हो, समझ रहे हो, एक्सपर्ट वाला काम चल रहा है यहाँ पे, एक नंबर का। खिली हुई धूप, खिली हुई धूप में हम दोनों खिले खिले, हम लोग खिले खिले। तो यहाँ छीले जा रहे हैं मटर, अब खाना है तो काम भी करना पड़ेगा, ठीक है ना, तो काम करो जल्दी जल्दी। सर आप क्या काम कर रहे हो? हम आलू छील रहे हैं। हेलो गाइस, आलू छील लो। मैम आप क्या कर रही? आलू छील रहे हैं। ये भी आलू छील रहे हैं। खा रहे हैं हम लोग मटर, इसको ऐसे ही आप ये चीजों को दाने निकल दिया है ये ठीक ढंग से सब प्याज, और मैं छील ले रही खा रही हूं। जो खाएगा वो पिटेगा भी, खा रहे हैं। तो चलिए फटाफट काम करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। तो अब स्टार्ट हो चुका है हम लोग का नाश्ता, कुछ भी देखो मिलाएगा, सब खा रहे हैं ये, हम भी देख रहे हैं, हाँ ये देख रहे हैं। बैगन भुन चुके हैं, अब बनेगा भरता, हम लोग सुबह से काम 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 काम, सिर्फ काम ही कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी बनने वाला ये देख सकते हैं इन प्राणी को जो दिन भर घूमते रहे, अभी थोड़ा सा काम कर रहे हैं ताकि इनका भी लिस्ट में नाम आ जाए मेहनती इंसानों में। ये बिल्कुल मेहनती, ये है एक्चुअल में मेहनती इंसान, सम्मानीय चौरसिया जी जो दिन भर लगातार काम किए जा रहे हैं। तो अभी भी काम चल रहा है, भरता बन रहा है, बाटी बन चुकी है, अब साफ हो रही है, इसमें घी भी लगाएंगे फिर खाएंगे। तो भैया हालत बुरी हो गई है, काम कर करके थका दिया सबने, ऐसा नहीं होता, जो देखो बैगन चल रहे पीछे, भरता बनेगा तो सब में बटेगा। अब हम लोग यहाँ पे चलाने लगे हैं ट्रैक्टर, यानी कि एक टीचर सब कुछ करेगा आज, जब आज मस्ती करने आएंगे तो आज मस्ती करेंगे, ट्रैक्टर चलाएंगे, खेत में भी काम करेंगे, करोगे? हाँ, संदीप सर चला रहे हैं ट्रैक्टर और बाबू सर कर रहे हैं इंजॉय, और मैं आई हूँ कि मुझे भी थोड़ा बिठा लिया जाए इस पे, देखते हैं। चलो तो हम लोग कर रहे हैं ट्रैक्टर की सवारी, और मैं पिकअप ट्रैक्टर सवारी ट्रैक्टर चला रही हूं। और मैम चला रही है ट्रैक्टर, बीमा वाला बैठा हुआ है भैया, सब ने लाइफ इंश्योरेंस कर, हाँ LIC का हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, मेरे को अलाउ कर दिए लोगों ने, ट्रैक्टर चला सकते हैं आप, सब ने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, और ये सर है पॉलिसी करते हैं संदीप सर के थ्रू, सभी ने LIC का
हेल्थ इंश्योरेंस प्लस एचआई एंड कैंसर कवर लिया है। ओके तो हम लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी तो घर वाले तक पैसे पहुंच जाएंगे। तालियां तालियां तालियां। सबके पति पत्नी खुश। फ्रेंड आप देख सकते हैं हम लोग की मस्ती कंटिन्यू है, पता नहीं चला कि मैम ट्रैक्टर चला रही है, ट्रैक्टर मैम को चला रहा है। लेकिन जो भी है, सब लोग मजा ले रहे हैं। बाबू सर काफी एंजॉय कर रहे हैं। कैमरामैन मौसमी के साथ रिपोर्टर बाबू सर हाजिर। तो हम लोग को तो काफी मजा आ रहा है, आई होप कि आपको भी मजा आ रहा होगा। और मैं खाने लगी हूँ बेर, ये खरीदा हुआ नहीं, पेड़ का तोड़ा हुआ है, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है। चलिए दिखाते हैं, तो ये देख सकते हैं बेर का पेड़, तो हम लोग यहीं से तोड़ रहे हैं और खा रहे हैं डायरेक्ट। कितना अच्छा लगता है ऐसे पेड़ से तोड़ कर खाना। सिर्फ एक ही चीज़ का अफसोस है कि धूप बहुत तेज है। चलिए फटाक से बेर तोड़ते हैं। ओके मुझे ये गुआवा चाहिए है, मेरे को तोड़ दे यार ये। अच्छा बड़ा सा फाइनली मैंने गुआवा तोड़ लिया। एक और है, दो गिरे थे तो मैं उसको भी उठा लेती हूँ। तो इस तरीके से पेड़ से ताज़ा फ्रूट तोड़ के खाने का मज़ा कुछ अलग होता है। हम लोग बेर है, फिर ये गुवावा है, पेड़ से तोड़ रहे हैं और खा रहे हैं, बहुत मज़ा लग रहा है। हाँ चारों तरफ से बेर बेर, अमरूद अमरूद और आम ही आम है। साथ में और भी है, मस्टर्ड पल्सेस हैं, गेहूँ है, कि ऑल अराउंड सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। बहुत ही मस्त फार्म हाउस है गाइस, बिलीव नहीं करेंगे आप। टोमेटो के पेड़ दिखाते हैं, ठीक है, हैं टोमेटो के पेड़ लेकिन टोमेटो नहीं आए हैं। उधर पोटैटो भी है, आलू भी है, टमाटर भी है, प्याज उधर वाले प्याज हैं, गार्लिक भी लगी हुई है, यानी सब कुछ ही लगा हुआ है। और धूप बहुत तेज़ है, सिर में दर्द शुरू हो गया है। चलो अंदर चलते हैं। तो हम लोग आए थे यहाँ पे रील बनाने, हम लोग ने रील वील बना ली है। भैया कितना हैंडसम लग रहा है इधर से, सही में एक फूड ले लिया। तो रील बनाना हमारा हो चुका है, उधर हम लोग का खाना भी जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए खाना खा लेते हैं। बहुत टायर्डनेस लग रहा है यार, बहुत घूम रहे, बहुत मस्ती कर रहे हैं, थक भी गए हैं, लेकिन फिर भी मन नहीं मान रहा है, मन बोल रहा है और इन्जॉय करो, क्योंकि ऐसे प्लेस में हम लोग ज़्यादा आते नहीं हैं। और इस टाइप का प्लेस यानी जहाँ चारों तरफ से खेत ही खेत और हर तरफ आप देखोगे प्लांट ही प्लांट भरा हुआ है। हो चुका था सबका खाना स्टार्ट, तो जितने मेल थे सब पहले बैठ चुके थे खाने, क्योंकि हम लोग बेर खाने चले गए थे, तो इनका खाना हो गया, हम लोग का पूरा फिनिश हो गया। अब बारी आती है खाने की, तो चलिए खाना स्टार्ट करते हैं। मैम ने पहले ही खाना शुरू कर दिया, बहुत मेहनत हो गई, चलिए मैं आपको एक बार मेनू दिखा देती हूँ कि मेनू में क्या क्या है। ओके फिर खा लेते हैं, फिर मिलेंगे। ये है हमारा मेन्यू, दाल बाटी भरता सैलड और ये लड्डू हैं, ये बाटी से बनता है। और यहाँ पे है स्वीट यानी जो प्रसाद चढ़ाता वो इधर है। चलिए फटाक से खाते हैं फिर मिलते हैं। एनर्जी अभी भी हम लोग की डाउन नहीं हुई है, खा पी के थक गए हो चुके हैं बेहाल, लेकिन फिर भी घूमेंगे और फिर और भी खाएंगे। खाओगे ना? अभी तो और बहुत कुछ खाना बाकी है, पार्टी तो अभी बाकी है। अभी बेर खाएंगे, अमरूद खाएंगे, बहुत कुछ खाने के लिए। चलो भैया खाते हैं। खाना खाने के बाद हिम्मत नहीं बची, लग रहा है कि सो जाए, लेकिन नहीं यार सोएंगे नहीं, मस्ती करने आए हैं तो मस्ती करेंगे। ये पूरे बेर के पेड़ है, देख सकते हैं पूरे तरफ बेर 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 बेर। गाइस पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं बची है खाने की, लेकिन मन है कि मान नहीं रहा, इतने सुंदर फ्रूट्स हैं यहाँ पे कि मन हो रहा खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, लेकिन पेट ने जवाब दे दिया कि भाई बस कर दे अब नहीं। सब लोग देखिए कितने सुंदर कलर के फूल हैं, मैं भी जानती थी किसके हैं। ओह माय गॉड, देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है चारों तरफ।
मुझे लग रहा है मैं पागल ना हो जाऊँ यार। तो ये गाइस ये फ्लावर देख सकते हैं, पता नहीं कौन सा फ्लावर है लेकिन इतना अमेजिंग इसका स्मेल है, आप समझ नहीं सकते हो। आप जब तक इसको लाइव नहीं देखोगे, स्मेल इसकी नहीं टेस्ट करोगे तब तक समझ नहीं आएगा। तो चलिए बहुत इन्जॉय हो गया, अब हम लोग की जाने की बारी आ चुकी है, घर चलते हैं वरना मम्मा लोग गुस्सा करेंगी। तो चलिए घर चलते हैं, घर चल के मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। तो ओके गाइस फाइन, अब चलते हैं घर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट में बताना आपको ये एरिया कैसा लगा। तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।